लखीमपुर खीरी से खबर है। लखीमपुर खीरी से खबर, बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की गुंडई यहां पर देखने को मिल रही है। एसपी रामलाल वर्मा के इंसाफ से पुलिस हैरान है। पीड़ित इंस्पेक्टर को ही एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया, यानी जो पीड़ित है उसी को ही सजा दी गई। विधायक की आवभगत में दिखे हैं एसपी रामलाल वर्मा। मंजू त्यागी ने इंस्पेक्टर से अभद्रता की थी, फोन पर जूते से मारने की धमकी दी थी। अब शारिक यहां पर स्थिति तो बदल गई है, जो पीड़ित है उसे ही सजा क्यों दी जा रही है? ये तो समझ से परे है, पीड़ित को तो न्याय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर मामला सामने आया था, बीजेपी की विधायक है मंजू त्यागी, एक इंस्पेक्टर को, पुलबेहर के इंस्पेक्टर है विद्याराम दिवाकर, जूते से मारने की धमकी दे रही थी इस मामले को लेकर, और ये कह रही है कि इनका कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के न्याय को न्याय दिलाया जाएगा। हालांकि जिस तरह से विद्याराम दिवाकर को जो है लाइन हाजिर किया गया इस मामले के सामने के आने के बाद, तो एक तरह से ये पुलिस ने एसपी रामलाल वर्मा ने इनाम दिया है मर्यादित भाषा में, जो जिस तरह से शारीरिक इंस्पेक्टर की बेइज्जती भी हुई और उसे लाइन हाजिर भी कर दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये न्याय से लोग हैरान है, पुलिस अफसर भी हैरान है, दूसरे के अफसर है और पुलिस फोर्स भी हैरान है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये न्याय देने की बात पुलिस करती है, खुद भी जिस तरह से जलील होना पड़ा इंस्पेक्टर को, एक विधायक की तरफ से उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली, गाली सुनने को मिली, तो उसके बाद जिस तरह से ये एक इनाम लाइन हाजिर के रूप में आया, ये काफी आश्चर्यचकित कर रहा है लोगों को। और एसपी रामलाल वर्मा की जिस मामले पर जिस तरह से कार्यशैली रही है, वो भी जो सवालों के घेरे में आ रही है राहुल। तो मामला क्या था जरा शारिक बताइए दर्शकों को। देखिए जो मंजू त्यागी विधायक बीजेपी की श्रीनगर से, इनका कुछ जगदीश और संतोष और इसको लेकर एक मामला था, मारपीट को लेकर एक मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर मंजू त्यागी ने जो है पंचायत जीती थी, लेकिन मामला वहां नहीं निपटा, तो ये पुलिस के पास गया। जब पुलिस के पास गया तो जो आरोपी है, क्या उन्होंने शारिक फोन पर जूते से मारने की धमकी दी थी इंस्पेक्टर को? हाँ बिल्कुल, देखिए जो ऑडियो वायरल है उसमें साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है कि जूते से मारने की धमकी दी जा रही है, और मंजू त्यागी कह रही कि यहीं से जूता फेंक कर मारेंगे दिवाकर, तुमको दिमाग सही हो जाएगा। जिस तरह से ऑडियो में वायरल हुआ है उसमें जमकर, चलिए यानी उन्होंने ये कहा, ये आपने कह दिया। अब ये बताइए कि एसपी रामलाल वर्मा किसके साथ खड़े हैं? अभी तक जिस तरह से एसपी रामलाल वर्मा की कार्रवाई देखने को मिली, वो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइन हाजिर करना साफ सबूत है कि वो बीजेपी विधायक की तरफदारी कर रहे हैं, उनके साथ समर्थन में है बीजेपी विधायक के। बहुत शुक्रिया।